स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लघु सचिवालय के सामने कार्यक्रम कराया गया। इस दौरान उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए एवं श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा देश के निर्माण में जो योगदान दिया गया है उसको याद किया गया। इस मौके पर सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान देश के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने पाकिस्तान व चीन को दांतों तले चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, इसलिए उनकी जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। वही कार्यकर्ताओं द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा MBBS के छात्रों की फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन भी किया गया। लघु सचिवालय पहुंचकर MBBS की फीस को वृद्धि वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री है, जिनका नाम आयरन लेडी के नाम से पुकारा जाता है, जिन्होंने 108 देशों का प्रतिनिधित्व कर भारत का गौरव बढ़ाया था, जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग अलग किया था, जिनके लोहा सारा संसार मानता था, आज उनका जन्मदिवस है। इस मौके पर हम सारे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसके उपरांत हम 12 बजे उपायुक्त महोदय को मेमोरेंडम देने जाएंगे, जो बेहद अच्छा फीस MBBS के बच्चों के लिए बढ़ाई है, सीधा 10 लाख रुपये कर दी है, जिससे गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा डॉक्टर बनने की अगर इच्छा रखता है वो नहीं बन पाएगा। उसके विरोध में हम सारे 12 बजे मेमोरेंडम देंगे। इंदिरा गांधी जी की जयंती पर एक बहुत बड़ा उनकी जयंती, उनका तो कोई परिचय के मोहताज नहीं, आज आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। जो आज एक बोर गा रहे हैं कि हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी हो, उसने तो पाकिस्तान को दो हिस्से कर दिए थे, और उससे बोर्ड लेडी मेरे ख्याल आज तक उसे प्रधानमंत्री कोई ऐसा नहीं हुआ। आज उसकी जयंती पर हम जो है ना, जो चौवन हज़ार फीस हुआ करती थी MBBS की, और आज 10 लाख करके एक परिचय ये दे दिया कि हम अमीरों के प्रति हमारी भावना है, गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता ना डॉक्टर बन सकता। तो आज उस उपलक्ष्य में आज हम इकट्ठे हुए, जैसा कि त्रिलोचन जी ने बताया है कि हम DC को मेमोरेंडम देंगे, इस फीस को जो है ना, जो पहले ही थी 54,000 से थोड़ा बहुत बढ़ा लिया जाए, ज़्यादा नहीं, इसको 10% बढ़ा लें ताकि गरीब आदमी पढ़ सके। और वैसे बात करते हैं गरीबों की, और देख लो उसके अलावा भी देख लो, जितने भी बैंक हैं सारे के सारे, अब कल फिर एक बैंक का जो है दिवालिया निकल गया, इस तरह 4-5 बैंक हो चुके हैं जो दिवालिया निकल चुके हैं। और कोई भी बात हो कह देते हैं तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की, कांग्रेस ने तो आज देश को उठाया भी है, जब सुई भी नहीं होती थी जब कांग्रेस ने ऊपर उठाया है, बहुत सी इन्होंने क्या नाम पावर हाउस लगाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, ये सारे कांग्रेस की देन है, उस बात को इनको याद नहीं है। जो 6 साल इनका सरकार का राज है उसके बाद भी इनको कोई बात हो जाए कांग्रेस की देन है, कोई हवा भी बंद हो जाए, कोई बीमारी भी आ जाए, वो भी मेरे ख्याल कोरोना भी भूल गए, कहना नहीं कोरोना भी कहते कांग्रेस की देन है, इस तरह का इनका राज है, और ऐसे राज वालों से हमें निजात मिलनी चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.